दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश मेरठ जिले से रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्योति त्यागी है और मैं पहले तो संजीव सर को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि आपने वाकई आज मैं आपकी वजह से और आयुर्वेदा की वजह से जिंदा पड़ी हूँ और मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, मैं एक साल दो साल की बीमार नहीं, मैं 10 सालों से बीमार थी, 10 सालों से। मेरे हर हफ्ते मेडिकल में 75 साल की लेडी है डॉक्टर गायनिक की, हर सातवें दिन उनके पास रहती थी, हर सातवें दिन उनके पास जाती थी। इन्फेक्शन सूजन यूट्रस में बना रहता था, गांठें छोटी छोटी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया कि कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल मेरा बेटा पैदाइशी मेरा हार्ट पेशेंट है, उसका पूरा दिल बड़ा हुआ है, दिल के नीचे फेफड़ा पिचका हुआ है। बच्चों के चक्कर में अपना कभी इलाज नहीं किया और वो मेरा यूट्रस की गांठें बढ़ती चली गई, 26, 27, 28, 29 mm की 6 गांठें मेरे पेट में थी, 5 गांठें यूट्रस में और 1 29 mm की राइट ओवरी में गांठ थी। अगर मैं ये दवाई ना खा रही होती तो वो 29 mm की गांठ मेरी फटी, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूं। मेरा ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने, 10 सालों में इलाज कराते कराते भी डॉक्टर अगर ये कह रही है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। मात्र 33 साल की एज है मेरी सिस्टर, बच्चा हार्ट पेशेंट है। आप बताओ कोई माँ बेड रेस्ट कर सकती है 6 महीने का? मुझे अपना बच्चा दिल्ली एम्स के लिए लेकर भागना पड़ता है, कर सकती है कोई माँ बेड रेस्ट? एलोपैथिक डॉक्टरों में सब धोखे में रखते हैं, धोखे में। अभी ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो? मैंने मात्र 38 दिन दवाइयां खाई हैं, मात्र 38 दिन मेरी सीमा दे दी। अगर ये नहीं होती, मैं इनसे अचानक मिलने गई थी, ये मेरे ही गांव की बेटी है, त्यागी है, मेरे ही गांव की बेटी है, मैं ऐसे इनसे मिलने पहुंच गई थी। दीदी ने बोला, मैंने इनको ऐसी अपनी परेशानी बताई। ठीक हो आप? टाइम कम है मैडम, ठीक हो? चलो, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां मैडम के लिए, इनके लिए।